नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर ज्ञान केंद्र चैनल पे। और आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं डीटीपी विथ पेज मेकर एंड फोटोशॉप। ये जो सब्जेक्ट है ये है डीसीए सेकेंड सेम में इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ये डीटीपी का सब्जेक्ट चुना जाता है। अब आज की क्लास में, आज के वीडियो में आपको डीटीपी एंड पेज मेकर फोटोशॉप वाला जो सब्जेक्ट है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले ये एक पुराना पेपर है जिसमें पुराना आपका जो पैटर्न होता है पेपर का वो आपको तो ऑलरेडी पता होगा क्योंकि अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है। और इसके अलावा इसके पहले आईटी ट्रेंड का हमने एक और वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पे दे दिया है, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना। आईटी ट्रेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वहां पर ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं डीटीपी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, तो सीधे चलते हैं अपन जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसकी तरफ। डीसीए सेकेंड सेम डीटीपी क्या है, यूनिट फर्स्ट से देखो, यूनिट वाइज अपन चालू कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट से पहला जो प्रश्न यहाँ पर आ रहा है वो है कि डीटीपी क्या है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। अब इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो डीटीपी वर्ड है यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो एक क्वेश्चन तो इसका बनता है बिल्कुल बेसिक वाला कि डीटीपी क्या होता है और इसके लाभ क्या है, इसके लाभ क्या है, ये जो प्रश्न है ना लाभ क्या है ये अक्सर पूछा गया है। तो इसकी तैयारी जरूर करके रखना पहले क्वेश्चन के रूप में कि डीटीपी क्या होता है या पूरा लिख के आ गया डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, इसके विभिन्न लाभ बताइए, इसका उपयोग कहां कहां पर हो सकता है, इसके बारे में। तो बेसिक चीज है डीटीपी के बारे में आपको जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है वो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा डीटीपी के कौन कौन से सॉफ्टवेयर है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइक पावर पॉइंट है, एडोब फोटोशॉप है, पेज मेकर, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मुख्य रूप से यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसमें फोटोशॉप और पेज मेकर, ये दो सॉफ्टवेयर है उनके बारे में समझाया गया है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस यूनिट से वो है ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये जो प्रश्न है इसको मैं आपको बोलूंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी तैयारी जरूर रखना। ये ऑफसेट प्रिंटिंग आगे चल के जो आने वाली यूनिट है उस यूनिट में इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है और ये प्रश्न आपका इस पेपर में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिट में देखने को जरूर मिलेगा। ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है, इसकी तकनीक या कार्यप्रणाली के बारे में, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना, ठीक है। इसके अलावा प्रिंटिंग के प्रकार समझाइए, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। मुख्य रूप से चार क्वेश्चन अगर अपन बात करें यहां पर, तो एक तो डीटीपी क्या है, इसका उपयोग और विभिन्न सॉफ्टवेयर के नाम बताइए, पहला प्रश्न आप इसको मान लो। यानी तीन चीजें एक ही प्रश्न में अपन लेके चल रहे हैं कि डीटीपी क्या है, इसका उपयोग और सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में टाइपोग्राफी, ये जो टाइपोग्राफी, फॉन्ट साइज, स्पेसिंग, ब्रेक, मेजरमेंट, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये आप टिप्पणी लिखो, शॉर्ट नोट्स में आपको मिल सकते हैं, टिप्पणी लिखो में ये आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रिंटिंग से क्या समझते हैं, और चौथा ऑफसेट प्रिंटिंग। चार इंपॉर्टेंट प्रश्न यूनिट फर्स्ट डीटीपी वाले सब्जेक्ट से। यूनिट सेकंड पेज मेकर यहां से स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये देखो ओवरऑल अगर अपन दिखाते हैं तो यूनिट फर्स्ट जो है उसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, डीटीपी क्या होता है, उसका बेसिक समझाया गया है। यूनिट सेकंड में पेज मेकर स्टार्ट हो चुका है, तो पूरा यहां पर पेज मेकर के बारे में कि भाई पेज मेकर क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताइए, इसके बाद इसके मेन्यू वगैरह चालू हो गए हैं, मेन्यू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, कौन कौन से वर्जन होते हैं, पेज मेकर का डीटी सॉफ्टवेयर के रूप में क्या उपयोग होता है, शॉर्टकट की, पेज मेकर में न्यू डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपने पेज मेकर का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है उसको एक बार अगर आप ओपन करके देख लेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टोरी एडिटर, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ लेना, स्टोरी एडिटर क्या होता है, टैब इंडेंट क्या होता है, कॉलम गटर क्या होता है, ये सारी चीजें ना शॉर्ट जो नोट्स आते हैं, मतलब टिप्पणी लिखो जो क्वेश्चन आता है ना उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। ये टैब इंडेंट, कॉलम, प्लेट,
पैलेट्स क्या होते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेक, फाइंड और रिप्लेस जो ऑप्शन है ना, ये सब आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला तो यही होगा कि पेज मेकर क्या होता है, इसकी विशेषताएं समझाइए, इसको तैयार कर लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अपन ले लेते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग और मैनिपुलेशन ऑप्शन क्या है, इसके बारे में टेक्स्ट एडिटिंग और मैनिपुलेशन ऑप्शन दूसरा प्रश्न ये ले लो। तीसरा प्रश्न आप टिप्पणी लिखो में इनमें से कोई तैयार कर लेना, टिप्पणी लिखो में इस छोटे छोटे ऑप्शन है ये जरूर पूछे जाते हैं। इन सभी को मैं सॉफ्टवेयर में, पेज मेकर का जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर में कैसे आप इसका यूज करते हो, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, वो सब मैं आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके उसको चलाकर उसमें ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, ताकि आपको इसे करने में आसानी हो, किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो इसी चैनल पे आपको वो वीडियो भी मिलेगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। थर्ड यूनिट में आते हैं, तो पेज मेकर का ही आगे की तरफ बढ़ते हैं, पेज मेकर में ही ये यूनिट थर्ड भी दी गई है। तो पेज मेकर में रूलर्स का क्या उपयोग होता है, बुलेट नंबरिंग क्या होता है, टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, ये सब ना बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर है, छोटे छोटे मतलब जैसे आपने एमएस वर्ड में भी पढ़ा होगा, एमएस वर्ड में बुलेट नंबरिंग आपने पढ़ी है, एमएस वर्ड में बुलेट नंबरिंग होता है, टेक्स्ट रैपिंग होता है, रिवर्ट कमांड, ड्रॉप कैप होता है, ग्राफिक फ्रेम होता है, ये सब एमएस वर्ड में भी होता है, मास्टर पेज होता है, ये अपना पावर पॉइंट में अपन को मास्टर पेज मिल जाता है, हेडर फुटर क्या होता है ये अपन को मिल जाता है। तो MS Word या MS Word भी एक प्रकार का DTP सॉफ्टवेयर ही है ना, इसी प्रकार से पेज मेकर भी, अब पेज मेकर का उपयोग कम होता है, लेकिन पेज मेकर भी एक प्रकार का DTP सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग पहले के समय में किया जाता था पेज को तैयार करने के लिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो ऑटो फ्लो, ये एक जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप ले सकते हो। न्यूज़पेपर मैगजीन प्रिंटिंग, ये वाला एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप ले सकते हो। इसके अलावा ये जितनी शॉर्ट मैंने गोले लगाए हैं ये सब शॉर्ट नोट्स में आप इनको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ स्टार्ट हो जाता है फोटोशॉप। फोटोशॉप में एक प्रश्न जो है, आंख बंद करके आप इसकी तैयारी जरूर कर लेना, वेक्टर इमेज रास्टर इमेज क्या होती है, ये आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेक्टर इमेज रास्टर इमेज, 100% ये प्रश्न जो है पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फोटोशॉप क्या होता है, इसका थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब किस प्रकार से एडोब फोटोशॉप जो होता है, किसने बनाया, कब बनाया, ये सब थोड़ा सा नॉलेज में जरूर रखिएगा। विभिन्न ग्राफिक्स फाइल और एक्सटेंशन क्या होते हैं, इसको भी नॉलेज में रखिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये प्रश्न कभी कभी पूछा गया है। वेक्टर इमेज रास्टर इमेज 100% ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक है कलर मोड्स और मॉडल्स, तो चार प्रश्न आपको, एक वेक्टर इमेज रास्टर इमेज, एक कलर मोड्स एंड मॉडल्स के बारे में, इसके अलावा ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन के बारे में, और फोटोशॉप का बेसिक कि क्या होता है। यूनिट फिफ्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल मिला के 5 प्रश्न दिए हैं, ज्यादा प्रश्न है नहीं, लेकिन आपको यहाँ से टूल्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टूल्स जरूर कर लेना, सारे टूल्स फोटोशॉप में जो जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उन टूल्स के बारे में आपको यहाँ पर तैयारी कर लेना है। इसके अलावा लेयर्स ऑप्शन और फिल्टर इफेक्ट, ये 3 प्रश्न जो है इस यूनिट फिफ्थ से आप तैयार कर लीजिएगा। तो ओवरऑल हमने देखा आज इस वीडियो के माध्यम से यूनिट 1 से लेकर यूनिट फिफ्थ तक के सब्जेक्ट है हमारा DTP कोर्स DCA सेकेंड सेम। अब इसको थोड़ा सा अगर ध्यान दें, अपन 5 यूनिट को डिवाइड करें, तो यूनिट 1 जो है उसमें DTP का बेसिक बताया, यूनिट सेकेंड और थर्ड में पेज मेकर बताया, ठीक है, ध्यान से देखिए, यूनिट फोर्थ और फिफ्थ में फोटोशॉप बताया, ठीक। इस प्रकार से आपने इसको अगर डिवाइड कर लिया आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यूनिट फर्स्ट में पूरा DTP का बेसिक आ जाएगा, सेकेंड और थर्ड में पेज मेकर सॉफ्टवेयर आ जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ में फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अगर आपने सॉफ्टवेयर चला के देखा तो आपके लिए इनके प्रश्नों के उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं देखा है कोई बात नहीं, चैनल पे बने रहना, चैनल पे हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर से रिलेटेड वीडियोस भी जल्द लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ।